नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय डांगरे आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं काफ़ी कॉमन चीज़ें ये है बेसिकली, बट जो अभी मैं गाड़ी पे काम कर रहा हूँ वो होंडा का मोपेड यानी कि स्कूटर कैटेगरी में जो इंजन का काम है वो मैं कर रहा हूँ। रिलेटेड टू गियर बॉक्स से काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके ऊपर है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये सब चीज़ें जो है पूरा इंजन जो है कास्टिंग में है, यानी कि एल्युमिनियम कास्टिंग में है, एल्युमिनियम अलॉय कास्टिंग में फिटिंग किया गया है। तो हर चीज़ को निकालने का एक तरीका रहता है, हर चीज़ ठोक ठाक के आप निकाल नहीं सकते। कुछ कन्वेंशनल चीज़ें हैं या कन्वेंशनल वे है या कंसेप्ट है या आपका जो तरीका है वो हो सकता है बराबर हो, या उसका तरीका जो है हो सकता है वो पुराना भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप एल्युमिनियम कास्टिंग जो है यानी कि जो इंजन है उसके ऊपर आप जब काम करते हैं तो उसको केयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्युमिनियम जो रहता है उसके ऊपर आपको ठोक नहीं सकते यानी कि हैमरिंग नहीं कर सकते। तो उसको क्या कर सकते हैं, आज जो टॉपिक मैंने चॉइस किया है, मैं डीओ पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके रहेंगे, बट मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही अलग है टेक्निक, और ये इन हाउस है यानी कि आपको आपके वर्कशॉप में ही आप ये रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो बिना ठोके या कह सकते हैं जस्ट टैपिंग करके आपको इसको ये चीज़ को निकालना है। तो क्या है ये, तो इंजन केसिंग में जो बैरिंग फिटिंग किया हुआ रहता है वो बैरिंग्स कैसे निकालने हैं, ये जो तरीका है ये सभी गाड़ियों को अप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ये होंडा पे काम कर रहा हूँ, डीओ पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब वो उसी के लिए एप्लीकेबल है, सभी इंजन्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको कैसे करना तो है। ये जो गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स का बैरिंग गया हुआ है, जनरल ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आता है, लेकिन ये बैरिंग हम निकालेंगे कैसे, तो ध्यान में रखना कि इसमें जो भी है अभी ये कास्टिंग जो है ये एल्युमिनियम अलॉय है, ये टूट सकता है अगर आप इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे। तो इसको निकालना कैसा है, तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, तो इसको बेसिकली हम लोग गर्म करेंगे, लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सीजन कार्बाइड का गैस यूज ना करते हुए हम इसको निकालने वाले हैं। इसको एट द मोस्ट आपको सिर्फ टैपिंग करना है, लेकिन हैमरिंग करना नहीं है दोस्तों, नहीं तो खराब हो जाएगा। काम शुरू करने से पहले ध्यान में रखना कि इसमें से कोई भी रबर का या डॉवल जो है वो नहीं रहना चाहिए, लकड़ी का गुटका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर आप रखेंगे और टैपिंग भी अगर करेंगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा बात, इसको आपको जब गर्म करना है तो हथौड़ा से नहीं करना है, तो आपको ये प्लास्टिक के या स्पेशल नाइलोमिक्स या डेलरिन के ये यूज़ करने हैं, मटेरियल यूज़ करना है जिससे कास्टिंग खराब ना हो जाए। उसके बाद इसको हॉट एयर गन से हम इसको हीट करने वाले हैं। टेम्परेचर फुल रखना है दोस्तों, इसको हाफ नहीं रखना है, आपका गन अच्छा रहना चाहिए, इससे डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मेटलर्जी जो है यानी कि इसका जो बॉन्डिंग है इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आप कास्टिंग पे डायरेक्ट ऑक्सी एसिटिलीन यूज करते हैं और गलती से भी टॉर्च, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो हो सकता है वो मेल्ट हो जाए। इसमें जो है वो इसमें हीट प्रोड्यूस तो जरूर करता है, लेकिन उसका एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग है, इससे ज़्यादा वो टेम्परेचर जाएगा नहीं। इसको पूरा गर्म करना है, ये दोस्तों क्यों करना है, तो जब आप बैरिंग निकालते हैं या लगाते हैं तो शेयरिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि उसका जो एल्युमिनियम अलॉय है ये घिस के निकलता है, जिसकी वजह से जो उसका आईडी है यानी कि इनर डायमीटर है जिसमें बैरिंग बैठने वाला है वो खराब हो जाता है, और उसके बाद बैरिंग जो है वो ढीला बैठ जाता है। इसके लिए उसको ज़्यादातर एक्सपांशन करके काम करना है। अब एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने का जो ये है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है देन स्टील, तो एल्युमिनियम अलॉय जो अभी मैं गर्म कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म होने वाला है, लेकिन अंदर का जो स्टील है यानी कि बैरिंग है वो जल्दी गर्म नहीं होगा। और इसका टेम्परेचर इतना भी नहीं है कि बैरिंग को वो डैमेज भी करे, आपको बाहर से केसिंग को गर्म करना है जिससे आराम से बैरिंग जो है वो निकल जाएगा। कभी कभी बैरिंग्स गिर जाते हैं बिना टैपिंग किए। ध्यान रखना दोस्तों, जब आप ये काम कर रहे हैं तो आजू बाजू में कोई भी पेट्रोल या गैस या कोई भी ऐसी इनफ्लेमेबल चीज नहीं रहनी चाहिए,
ताकि दुर्घटना ना हो जाए। जो भी काम करना है वो एरिया बहुत ही ओपन रहना चाहिए। अगर आपके वर्कशॉप के अंदर उतना एरिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको बाहर करना है क्योंकि आखिर ये गर्मी है इसमें। अब हम इसको बैरिंग को स्लाइटली टैप करके निकालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ताकत जो है बिल्कुल नहीं लगाई हुई है। गर्म करने के बाद इसने इमिडिएटली अपनी जगह छोड़ दिया और मैंने जस्ट थोड़ा सा टैप किया और बैरिंग गिर गया। तो दोस्तों कोई भी चीज आप जब काम करते हैं उसको सोच समझ के काम करना है, जिससे जो केसिंग है वो खराब ना हो, क्योंकि एल्यूमिनियम जो केसिंग है वो बहुत एक तो महंगी रहती है और इसको रिप्लेस करने की जरूरत तभी आती है जब हमारे से ही गलती होती है या कोई कारण से गियर बॉक्स में कुछ टूटना है या कोई और चीजें होती है यानी कि एक्सीडेंट वगैरह, तो ही चेंज करना है, अदरवाइज कुछ भी। इसका जो रिपेयरिंग है बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कोई भी जो ताकत है वो लगाने की जरूरत नहीं है, हैमर यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये बैरिंग निकालने का। ये कंसेप्ट जो है वो कोई भी आप इंजन में आजमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो बैरिंग यूज नहीं करना है वापस, क्योंकि एक बार आपने गर्म कर लिया तो उसके सील्स जो है वो खराब होने के चांसेस थे, क्योंकि आखिर वो हीट है। तो धन्यवाद दोस्तों, और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।